ऐसे या सर, नो? यस सर। ओके ठीक, अनम्यूट हो जाओ। देखो इधर, एंटीनेटल एडवाइस, अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन लिखा था आपने, एंटी, कल का टॉपिक है एंटीनेटल केयर, राइट? अरे इधर ध्यान दीजिएगा, एंटीनेटल केयर कल का टॉपिक है। एंटीनेटल केयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, सॉरी कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट, याद रखना, नॉट थ्री। थ्री रखोगे तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यानी कि एंटीनेटल जो केयर होती है टू पार्ट से मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, राइट? टू पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक को हम क्या बोलेंगे, यानी कि यहां से बोलेंगे स्ट्री, स्ट्री टेकन एंड एग्जामिनेशंस। नंबर वन तो क्या हो जाएगा, स्ट्री टेकन एंड एग्जामिनेशंस नंबर वन, और नंबर टू में आप क्या लिखोगे, एंटीनेटल एडवाइस, एंटीनेटल एडवाइस, राइट? आप प्रेग्नेंट फीमेल को एडवाइस दोगे कि आपको डाइट में ये लेना है, इतना अमाउंट में डाइट इंक्रीज करना है, एक्सरसाइज करना है, विदाउट डॉक्टर एनी मेडिसिंस नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार की बिदावट, ओबी, ओबी यानी कि ऑब्सेक्शन से मिले बिना गोली नहीं लेना है, राइट? आप एडवाइस दोगे, बेड रेस्ट करना है, लगभग आपको 10 घंटे सोना है, 8 घंटे रात को सोना है, 2 घंटे इवनिंग में सोना है, नॉन में सोना है, राइट? देन इसके बाद हिस्ट्री टेकन, उसके फैमिली हिस्ट्री लोगे, हेल्थ हिस्ट्री लोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल हिस्ट्री लोगे, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लोगे, आइडेंटिफिकेशन डेटा लोगे, समझ रहे हो आप, यानी कि पास्ट मेडिकल सर्जरी है कि नहीं, यानी कि प्रेजेंट में चीफ कंप्लेंट क्या है, यह सब आप उसका स्टेट टेकन के दौरान असेस करेंगे, एग्जामिनेशंस करेंगे, राइट? एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, उसका एक तो जनरल एग्जामिनेशंस करेंगे, देन दूसरा ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशंस करेंगे। जनरल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, उसका हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, लेबोरेटरी टेस्ट करोगे एंड ब्लड टेस्ट करोगे, राइट? देन इसके बाद एंटीनेटल एडवाइस मैंने बताया आपको, अभी बताएंगे एंटीनेटल उसको क्या देंगे, एडवाइस देंगे कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, आपको इतने घंटे नहीं इतना घंटा सोना है, आपको इतना नहीं इतने डाइट लेना है, ठीक है, आपको यानी कि सोते टाइम किस प्रकार से आप पोजिशन करके सोएंगे, वो सब आप एडवाइस के दौरान उसको बताओगे। तो नंबर वन हम यहां से बात करते हैं, मेंटेन एंड इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। एडवाइस क्यों देते हैं, इसको मिटा दूं, एडवाइस क्यों देते हैं, एडवाइस इसलिए देते हैं ताकि उसकी हेल्थ क्या रहे, मेंटेन रहे, और उसके हेल्थ क्या हो जाए बेटा, प्रेग्नेंट मदर के इम्प्रूव हो जाए। तो मेंटेन एंड इम्प्रूव हेल्थ नंबर फर्स्ट पॉइंट में अगर लगे कि एंटीनेटल एडवाइस क्यों देते हैं, ताकि वो हेल्थ को क्या कर ले, मेंटेन, टू मेंटेन, मेंटेन हेल्थ एंड इम्प्रूव, इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस, हेल्थ के स्टेटस भी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, और हेल्थ क्या हो जाए, मेंटेन। इसलिए आप क्या करेंगे, एडवाइस देंगे ऑफ द वुमन टिल डिलीवरी, किसको देंगे, ऑफ द वुमन टिल डिलीवरी, राइट? जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब उस तक उसको एडवाइस करते रहोगे कैसे आपको हेल्थ को मेंटेन करना है, कैसे हेल्थ को इम्प्रूव करना है, कैसे हेल्थ स्टेटस को आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है, कब तक दोगे, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, टिल डिलीवरी, राइट? यहां तक आपको समझ में आया, एडवाइस फॉर वुमन रिलेटेड टू, आप कैसे एडवाइस देंगे, देखो, एडवाइस, एडवाइस फॉर होमेंस रिलेटेड, रिलेटेड टू, अब रिलेटेड टू किसके, किसे रिलेटेड, यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, राइट? रिलेटेड टू यानी कि रिलेटेड टू, यहाँ पे नंबर वन लिख देता हूँ, यानी कि डाइट, आपको खाने में क्या लेना है, अभी समझो, बाद में लिखना, कितना किलो कैलोरी लेना है पर डे पे, प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, कैल्शियम कितना लेना है, आयरन कितना लेना है, फोलिक एसिड कितना लेना है, राइट? विटामिन कितना लेना है, मिनरल्स कितने लेने हैं, ये सब क्या करेंगे आप डाइट में उसको एडवाइस करेंगे। जब डाइट का एडवाइस हो जाएगा, देन उसके बाद उसके पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएं, कैसे आप पर्सनल हाइजीन करोगे, उसे बोलना है भाई आप प्रेग्नेंट हो गए, पर्सनल हाइजीन क्या करोगे, पर्सनल
पर्सनल हाइजीन, हाइजीन मीन समझते हो आप क्या होता है हाइजीन, पर्सनल हाइजीन क्या होता है? साफ सफाई का ध्यान दो, घर की साफ सफाई, खुद की पर्सनल हाइजीन, ठीक है, यानी कि खुद की हाइजीन। कभी कभी बोले कि बच्चे को कुछ कुछ सोसाइटी में अंधविश्वास होता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके वॉम के अंदर बच्चा है, अगर आप नहाओगे तो उसको जुकाम हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बताना कि ऐसा कुछ नहीं है, नहाने से कोई जुकाम नहीं होता है, आपको डेली नहाना है, अपना बॉडी का केयर करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसे जैसा कहा जाता है वैसे ही मान लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी स्ट्रीम आते हैं, बाबा एक व्यक्ति के बच्चा नहीं हो रहा है, रात दिन मेहनत करता है फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो औरत कहाँ चली जाती है? बाबा के पास, ठीक है। बाबा पति पूछता है क्यों गई है, पूछते हैं क्यों, बच्चा आएगा कि नहीं आएगा? बाबा बोलते हैं कोई बात नहीं, आप ये ले जाओ, क्या बोलते हैं उसे, बाबूत जो बोलते हैं, बाबूते ले जाओ, और नहीं हुए तो आप नाइट को मिलने आना, ठीक है। और ये कांड आप राम रहीम आसाराम देखे रहे हो, तो इसलिए किसी के चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग चलना है। साइंस कैसा होता है देखो, कोई तंत्र और मंत्र से ओम स्कूम तो बनने वाले हैं नहीं, मानते हो आप बनेंगे नहीं बनेंगे? जब एक नेचुरल पीरियड होता है, अगर उसमें कोइटस हुआ तो फर्टिलाइजेशन की संभावना है, बढ़ सकती है। एक ऐसा होता है जो कम्प्लीटली पीरियोडिक एब्सटेनेंस होता है, पीरियोडिक एमनोरिया होता है, जिस टाइम एमनोरिया नहीं बोल सकते, यानी कि उसको आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। डाइट पर्सनल हाइजीन बोलना कि आपको अपना पर्सनल हाइजीन रखना है टाइम से, यानी कि माउथ भी वॉश करना है, अपने बॉडी भी क्लीन करनी है, ठीक है, डेली रूटीनली यानी कि अपने क्लॉथ भी चेंज करने हैं, सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि नाना नहीं है, बच्चे को जुकाम हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, उसे बोलना ऐसा कुछ है नहीं होगा, आप डेली क्या करेंगे, नहाएंगे। देन उसके बाद ड्रग्स, ड्रग्स की बात, कुछ फीमेल होती है साहब हम तो ड्रग्स लेते हैं, क्या ले सकते हैं? अभी ड्रग्स का यहाँ वो नहीं है, हीरोइन अफीम कोकेन वो नहीं है, हाँ उसको भी हम ड्रग्स की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। ड्रग्स का मीन होता है कि अगर सिर दर्द भी हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज है बॉडी में, तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हमें किसी भी टाइप की मेडिसिन नहीं लेनी है। जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक मेडिसिन नहीं लेनी है। फीवर आ रहा है तो डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, उससे सलाह लो, एडवाइस लो, तभी क्या करना है, मेडिसिन लेना है। आप इस प्रकार से उनको क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। देन उसके बाद आप बोलेंगे फोर्थ पॉइंट में कि आप एक्सरसाइज भी किया करो। क्या किया करो, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो? एक्सरसाइज कौन करता है? एक्सरसाइज आप करते हो? उनसे बोलेंगे कि आप ब्रिक्सली वॉकिंग किया करो, तेज तेज चला करो, दौड़ना नहीं है, जल्दी जल्दी पैर उठाना है, पार्क है तो पार्क है, राउंड काटना, एक नहीं दो नहीं तीन चार राउंड काट लीजिएगा, दौड़ना नहीं है, राइट। देन उसके बाद हो सके तो स्विमिंग करो, स्विमिंग पूल में आसपास है तो चले जाओ, या फिर घर पे बना लो उसमें तैरो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका सर्कुलेशन, उनका सर्कुलेशन बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन प्रमोट होंगे, और बॉडी हेल्थ क्या होगी बेटा, इंप्रूव होंगे, हेल्थ स्टेटस भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। हम एडवाइस क्यों दे रहे हैं? एडवाइस इसलिए दे रहे हैं कि मैटरनल की जो मदर है उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, अच्छी रहे, हेल्थ स्टेटस इंप्रूव रहे, राइट। देन उसके लिए हम डाइट की लेंगे कि डाइट कितना लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना किलो कैलोरी लेना है, राइट, कितना कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, राइट। देन इसके बाद पर्सनल हाइजीन करना है, ड्रग्स भी लेनी है, ड्रग्स विदाउट डॉक्टर्स के नहीं लेनी है, एक्सरसाइज करना है, तेज तेज चलना है, स्विमिंग करना है, ठीक है, एब्डोमेन की किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। एक तो वो मतलब सोले डोले लगाने के लिए डिप्स लगाने, क्या बोलते हैं उसे, वो लगाने लग जाए, हाँ पुशअप लगाने लग जाए तो मना कर देना, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको नॉर्मल चलना है, थोड़ा तेज चलना है, या स्विमिंग हो सके तो स्विमिंग कर लीजिएगा, फालतू के जिम में नहीं जाना है। वो समझे डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज, अब जिम में जा रहे हैं वहां जाके डंबल उठाऊंगी, तो ऐसा उनको मना कर देना है। देन इसके बाद अगर हम डाइट की बात करें,
डाइट की देखो इधर, डाइट की स्टार्ट करें, नंबर वन डाइट हम ले रहे हैं। डाइट में क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी यानी कि डाइट के यहाँ पे देखो आप, किलो कैलोरी मतलब भाई एनर्जी की बात हो रही है, किलो कैलोरी किसकी बात हो रही है, एनर्जी की, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को डेली कितना किलो कैलोरी चाहिए, राइट, प्रेग्नेंट फीमेल को कितना चाहिए, लैक्टेशनल मदर को कितना चाहिए, लैक्टेशनल मदर जानते हो आप क्या होता है, यानी कि दूध पिलाने वाली माँ, लैक्टेशनल मदर किसे बोलेंगे, दूध पिलाने वाली माँ, ठीक है, लैक्टेशनल मदर, ठीक है, जिनके मिल्क आता है। अब आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल यानी कि नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, नॉर्मल उसकी हेल्थ है, नॉर्मल उसका बॉडी वेटेज है, तो उसको कितना किलो कैलोरी चाहिए, अगर नॉर्मल है नॉन प्रेग्नेंट है तो उसको पर डे चाहिए बेटा 2200 किलो कैलोरी पर डे, कितना चाहिए यानी कि 2200 किलो कैलोरी चाहिए पर डे, कितना चाहिए 2200 किलो कैलोरी। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेडी क्या है प्रेग्नेंट है, तो नॉन प्रेग्नेंट जो डाइट है जो किलो कैलोरी है इसे 300 कैलोरी इंक्रीज, क्या 300 कैलोरी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो 2200 में 300 बढ़ाएंगे तो प्रेग्नेंट को कितना देना है 2500 किलो कैलोरी, कितना देना है यानी कि 2500 किलो कैलोरी पर डे आप दोगे, राइट, समझ रहे हो आप, नहीं बेटा 300, राइट। और लैक्टेशनल मदर की यानी कि इसे नॉन प्रेग्नेंट लेडी से कितनी बढ़ाई जाती है यानी कि 500, तो इसको कितना देंगे यानी कि 27 किलो कैलोरी पर डे देंगे, ये क्वेश्चन कहीं बार पूछा जाता है, यानी कि एनर्जी कितना देंगे इतना देंगे, नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितना देंगे, कितना देंगे 2200 किलो कैलोरी, प्रेग्नेंट के अंदर कितना देंगे 2500 किलो कैलोरी, लैक्टेशनल मदर को कितना देंगे 2700 किलो कैलोरी, ठीक है, ये तो किसका हो गया, कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी का, CHO का हो गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड में यहां से बात करता हूं, राइट, देन इसके बाद ये तो एनर्जी हुआ, देन प्रोटीन, प्रोटीन की बात कर लेते हैं, कितना प्रोटीन चाहिए पर डे, राइट, यहां पर भी इसी प्रकार से तीन वो ले लेते हैं, देखो यहां पे लिख देते हैं नॉन प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशनल मदर, राइट, एक तो क्या लिख दिया लैक्टेशनल, समझ में आ रहा है आपको, कलर चेंज कर देता हूं, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट और लैक्टेशनल मदर, राइट, नीचे लिख ही दिया। अब इसको नॉन प्रेग्नेंट जो होते है उसको कितना चाहिए यानी कि 50 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मेल है 70 kg का है उसको कितना प्रोटीन चाहिए, तो दिमाग में याद रखना 1 gram per kg बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन दी जाती है, यानी कि अगर वो 1 kg का है तो 1 gram per kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। अगर वो 70 kg का होगा तो कितना देंगे 70 ग्राम देंगे, 70 ग्राम देंगे। अगर वो 90 का है तो 90 ग्राम देंगे, अगर वो 35 का है तो 35 ग्राम देंगे, समझ रहे हो आप, उसका बॉडी वेटेज के हिसाब से 1 kg में 1 ग्राम प्रोटीन दी जाती है, राइट, समझ रहे हो आप। तो यानी कि जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसको कितना दिया जाएगा 50 ग्राम पर डे, समझ रहे हो आप, कितना दिया जाएगा 50 ग्राम पर डे। प्रेग्नेंट के अंदर सिर्फ 10 ग्राम प्रोटीन इंक्रीज की जाती है, कितना हो जाएगा 60 ग्राम पर डे। अब यहाँ पे जो लैक्टेशनल मदर है यहाँ प्रोटीन का काम नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि जो मैटरनल का सेल एंड टिश्यू होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, प्लेसेंटा बनता है, फिटस बनता है, राइट, और अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यहाँ नहीं होती, तो इसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे कि 60 से 65 ग्राम पर डे करेंगे, 60 to 65 ग्राम पर डे प्रोटीन देंगे। यहां तक आपको समझ में आया। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आयरन कितना देंगे,
ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आयरन पर डे के हिसाब से कितना देंगे आयरन। आयरन बेटा पहली बात, इनिशियल स्टेज में प्रेगनेंसी में आयरन नहीं दिया जाता है, 3 महीने तक आयरन नहीं दिया जाता है, समझ रहे हो आप, 3 महीने तक आयरन नहीं दिया जाता है, 3 महीने के बाद हम उसको आयरन दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, ऐसे 4 मंथ का आपने बड़ा होगा लेकिन 3 मंथ के बाद ही देते हैं, 4 मंथ में आप दे सकते हो, 5th में दे सकते हो, 6th में दे सकते हो, लेकिन 3rd के बाद में देंगे। 3rd के बाद में क्यों देंगे, क्योंकि एक हॉर्मोन है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये हॉर्मोन आयरन के साथ मिलकर, आयरन के साथ मिलकर क्या हो जाता है, हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है। हाइपर क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। जब हाइपर स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करता है, वोमिटिंग इंड्यूस करता है, क्या करता है, वोमिटिंग इंड्यूस करता है। और फीमेल को लार्ज अमाउंट में क्या हो सकती है, वोमिटिंग, वोमिटिंग होगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन होगा तो परफ्यूजन हो सकता है और अदर एबनॉर्मलिटी आ सकती है, क्योंकि HCG की वजह से ही जो स्टार्टिंग के जो टाइम्स होता है, इनिशियली जो डेज होते हैं, वहां पर मॉर्निंग सिकनेस मिलता है आपको, मॉर्निंग सिकनेस। मूवी में देखा होगा कि सुबह सुबह हीरोइन सरफेस में गिर जाती है, दूल्हा उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर उसको भर्ती कर लेता है और बाहर निकल के बोलता है बधाई हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशन आप पिताजी बनने वाले हो, राइट। तो पिताजी मॉर्निंग सिकनेस इसलिए HCG की वजह से ही, और आयरन मिलकर यह हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है तो वोमिटिंग ज्यादा होने की संभावना है बढ़ जाती है, इसलिए आयरन को बिफोर 3 मंथ नहीं दिया जाता है, 3 महीने के बाद ही उसको आयरन हम देंगे। ये बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आयरन कितना देंगे और क्यों देंगे, देखो अगर फीमेल क्या है, नॉन प्रेग्नेंट है, फीमेल क्या है, नॉन प्रेग्नेंट है, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, तो इसको हम देंगे पर डे कितना, यानी कि 18 mg, कितना देंगे, 18 mg देंगे, राइट। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, क्योंकि ब्लड की लॉस होने की संभावना ज्यादा होती है प्रेगनेंसी के दौरान, और ब्लड की आवश्यकता भी ज्यादा होती है क्योंकि फेटस के अंदर भी चला जाता है, वॉल्यूम प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, तो यहाँ पर कितना देंगे, 40 mg देंगे, राइट। कितना देंगे, 40 mg, देन लैक्टेशन में जरूरत नहीं होती तो यहाँ पर कितना देंगे, 30 mg देंगे, यानी कि लैक्टेटिंग मदर के अंदर ये पूछा जाता है, लेकिन इनका याद रखना आप, राइट। इसके बाद आपसे कैल्शियम का भी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम का हमेशा किसी न किसी एग्जाम में कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैल्शियम, ये डाइट के अंदर चल रहा है अपना कैल्शियम, राइट, किसका, कैल्शियम। आप पर डे में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कितना कैल्शियम चाहिए, नॉन प्रेग्नेंट लेडी से कितना इंक्रीज करते हैं, या फिर प्रेग्नेंट लेडी से कितना इंक्रीज करते हैं लैक्टेशनल मदर के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो यहां पर देखो वही 3 चीजें आप पढ़ोगे, एक तो क्या पढ़ोगे, नॉन प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, बच्चा बाहर आ गया तो लैक्टेशनल मदर बन चुकी है, तो याद रखना जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर दिया जाता है 500 mg, यानी कि 500 mg की क्या आती है, एक टेबलेट आती है, राइट, कितने mg की, 500 mg की, व्हाइट कलर की आती है, कैल्शियम की गोली उनके लिए देते हैं ताकि बोन का मेच्योरेशन हो जाए, ठीक है, उनके अंदर किसी टाइप की कोई बोन डिफॉर्मिटीज ना हो। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि फिटस की बोन भी बननी होती है, तो यहाँ पर नॉन प्रेग्नेंट लेडी से कितने इंक्रीज करेंगे, 500 mg इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर कितना देंगे, 1000 mg, राइट। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे लैक्टेशनल मदर के अंदर कितना इंक्रीज करेंगे, 500 इसमें करेंगे, तो कितना देंगे, यानी कि 1500 mg, 1500 mg पर डे देंगे। बेटा ये पर डे है, समझ आओगे क्या है, पर डे, यहां तक आपको समझ में आया, पर डे। देन इसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा फोलिक एसिड, फोलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 ये तीनों मिलकर ब्लड सेल का, ब्लड का निर्माण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, राइट। इसके बाद मैं बात करता हूं किसका, फोलिक एसिड,
फॉलिक एसिड जानते हैं आप? कौन सा विटामिन है फॉलिक एसिड? फॉलिक एसिड थप्पड़ मारूंगा भी, काइलोकोबालमिन होता है वो, बिटवेल। फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है? अरे फॉलिक एसिड है विटामिन B9। फॉलिक एसिड है विटामिन B9। कभी कभी पूछा जा सकता है विटामिन B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड। हाँ फेरेटिन बोल सकते हैं। देखो इधर फॉलिक एसिड यानी कि नॉन प्रेग्नेंट मदर के अंदर कितना चाहिए, प्रेग्नेंट के अंदर कितना चाहिए, लैक्टेशनल के अंदर कितना चाहिए। तो सिर्फ एक ही चीज याद रखना, ये जो फॉलिक एसिड दिया जाता है, ये देखो ये किसमें दिया था? किलो कैलोरी में। एक किसमें दिया था? ग्राम में। एक किसमें दिया था? मिलीग्राम पे, ठीक है। और ये दिया जाता है फॉलिक एसिड माइक्रोग्राम पे। फॉलिक एसिड किसमें दिया जाता है? माइक्रोग्राम पे। यहाँ पर वही तीन ऑप्शन बना लेते हैं, तीन लाइन, 1, 2, then 3। यहां लिख देंगे नॉन प्रेग्नेंट लेड फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड लैक्टेशनल मदर। आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि उस टाइम 500 ml के समथिंग ब्लड लॉस होता है, ठीक है। वाटर जब रिटेंशन होता है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? ब्लड की कम। रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? प्रॉपर नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर कैरी नहीं हो पाता है, राइट। बेटा इसमें, इस भारत में यानी कि दैट इज इंडिया, इंडिया के अंदर 85 फीमेल एनीमिया की गिरफ्त में है। कितना? 85। ओनली फॉर 15% फीमेल ही एनीमिया की गिरफ्त में नहीं है, जो कि बिलोंग करती है हाई कैपिटल फैमिली से, या फिर वह फीमेल जो एक तरफ से जो उसके सामने आता है सबको खाती हुई चली जाती है इंसानों को छोड़ के, तो उसके अंदर भी एनीमिया की शिकायत कम देखने को मिली है, राइट। और बाकी लड़कियां के अंदर इसलिए होते हैं क्योंकि भारत की नारी किस्मत की मारी, क्योंकि वह एक वीक में 3 दिन तो भूखी रहती है। आज वो क्या बोलते, अच्छा सोमवार है, गुड मंडे, ठीक है, मंडे के दिन एक दिन खाना खाया, अरे आज वेनसडे है, बुद्ध भगवान गणेश जी का वो कर रखा है तो एक दिन वो हटा दिया, फिर बीच में शनि महाराज आ जाते हैं कि वो हटा दिया, तो 3 दिन तो ऐसे ही भूखी रहती है। कहां से खून बढ़ेगा रे, कहां से खून बढ़ेगा, ठीक है। और साइंस बेटा, साइंस कभी नहीं कहती आप भूखे रहो। जब हम पढ़ते थे, हमारे साथ में लड़कियां भी पढ़ती थी, लड़कियां तो एक ही थी, लेकिन हमारे टीचर कहते थे हमसे कि हॉस्पिटल में एम्प्टी स्टमक नहीं जाना है, नहीं तो बॉडी में इंफेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बिकॉज आपका इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगा? सप्रेस। इसलिए आप भूल जाओ कि गणेश जी बचाएंगे या वो बचाएंगे, जब वायरस घुसेगा तो डॉक्टर ही बचाएंगे, ठीक है। फोलिक एसिड अब इधर नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर दी जाती है 200 माइक्रोग्राम, राइट। और जो प्रेग्नेंट है उसके अंदर दी जाती है 400 माइक्रोग्राम, और जो लैक्टेशनल है उसके अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, इसके अंदर भी 400 माइक्रोग्राम ही दी जाती है, राइट। ये फोलिक एसिड दी जाती है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है विटामिन B12, यहां लिख दूं विटामिन B12, क्या बोलेंगे? काइलोकोबालामाइन, ठीक है। अब काइलोकोबालामाइन का कितना दिया जाता है, यानी कि इसका भी मैं लिख देता हूं, नॉन प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन, राइट, नॉन प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन, इसके अंदर सिर्फ कितना दिया जाता है? 2 माइक्रोग्राम, बहुत कम। लैक्टेशन के अंदर कितना, सॉरी प्रेग्नेंट के अंदर 2.2 माइक्रोग्राम, और लैक्टेशन के अंदर कितना जाएगा? 2.2 माइक्रोग्राम पर डे। ये पर डे के हिसाब से चल रहा है बेटा, इसके हिसाब से पर डे के हिसाब से चल रहा है ना, कंफ्यूजन मत हो जाना, पर डे के हिसाब से देना है,
किसके हिसाब से देना है? पर डे के हिसाब से, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया? विटामिन बी 12 इतना दिया जाता है, प्रेग्नेंट यानी कि नॉन प्रेग्नेंट के अंदर 2 माइक्रोग्राम दिया जाता है पर डे, प्रेग्नेंट के अंदर 2.2 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है, और लैक्टेशन के अंदर 2.2 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है बढ़ जाती है, राइट। इसके बाद फिर आपका जो लास्ट आता है, एक और लिख लो, इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जिंक। जिंक जानते हो आप, यहां लिख देता हूं, क्या लिखना है बेटा? जिंक। जिंक, राइट। आप जिंक में देखो, इधर लैक्टेशन के अंदर कितना देंगे, प्रेग्नेंट के अंदर कितना देंगे, एंड नॉन प्रेग्नेंट के अंदर कितना देंगे, यानी कि 12 माइक्रोग्राम किसके अंदर देंगे? नॉन प्रेग्नेंट के अंदर। प्रेग्नेंट के अंदर कितना देंगे? 15 माइक्रोग्राम। लैक्टेशन के अंदर कितना देंगे? 19 माइक्रोग्राम देंगे। यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि ये तो किसकी बात हुई है? डाइट की बात हुई है, राइट। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है, यानी कि विटामिन ए, विटामिन ए का भी पूछा जाता है बेटा, वो भी मेंशन कर देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ विटामिन ए, यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। अरे इधर टॉप में लिख दूं, यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ विटामिन ए। अब विटामिन में आपको 3 लिखना है, कितना लिखना है? 3, यानी कि ए कम लैक्टेशन, प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट, राइट। अब आपसे पूछा जाए, याद रखना विटामिन ए को इंटरनेशनल यूनिट में दिया जाता है, किसमें दिया जाता है? इंटरनेशनल यूनिट में दिया जाता है। अब इंटरनेशनल यूनिट आप याद रखना, यानी कि कितना, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट के अंदर दिया जाता है 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। कितना दिया जाता है? 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, राइट। देन इसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर सिर्फ 1000 बढ़ाई जाती है, तो कितना हो जाएगा? 6000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, राइट। इसमें कितना बढ़ाएंगे? 2000 इंक्रीज करेंगे प्रेग्नेंट से, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 8000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ये आपसे पूछा जाता है। पर डे कितना दिया जाएगा? इतना, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितना दिया जाएगा? 6000, लैक्टेशनल मदर के अंदर 8000, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, राइट। ये डाइट का शेड्यूल आप उसको बताओगे और क्या कराओगे बेटा? उनको एडवाइस दोगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर मैं आपसे बता रहा हूँ आपका टॉपिक क्या है, बंद कर लो, अभी लिखना नहीं है, यानी कि एंटीनेटल एडवाइस। एंटीनेटल केयर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, नंबर 1 यानी कि स्ट्रीट केयरफुली स्ट्रीट टेकन एंड एग्जामिनेशंस, दूसरा है एंटीनेटल एडवाइस। एंटीनेटल एडवाइस हम क्यों देंगे? ताकि मदर की हेल्थ मेंटेन रहे, मदर का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो जाए, ठीक है। कौन सी मदर? यानी कि जो अभी प्रेग्नेंट है, अभी मां नहीं बनी है, राइट। प्रेग्नेंट फीमेल कब तक देंगे? टिल डिलीवरी तक उसको एडवाइस करते रहेंगे। एडवाइस फॉर हॉर्मोन्स, यानी कि फीमेल को एडवाइस फॉर फीमेल रिलेटेड टू डाइट। डाइट कैसे लेना है आपको? पर्सनल हाइजीन रखना है, मेंटेन रखना है, बॉडी क्लीन रखना है, ड्रग्स विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है, जब तक डॉक्टर ना कहे या कोई भी एक्सपर्ट यानी कि मेडिकल ऑफिसर्स, राइट, जो केयर टेकर हैं, जब तक वो आपको गाइड ना करे तब तक नहीं लेना है। एक्सरसाइज आप तेज तेज क्या करेंगे? वॉक करेंगे, चलेंगे, हो सके तो स्विमिंग करो, ठीक है। स्विमिंग करने से क्या होता है कि हाथ और पैर इस प्रकार से मूव करते हैं, तो सर्कुलेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है, कार्डियक फंक्शनिंग भी इंक्रीज होगी, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी क्या होंगे? प्रमोट होंगे, लंग्स भी अच्छा हो जाएगा और कार्डियक सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा करना चाहिए। देन इसके बाद ड्रग्स का, सॉरी डाइट का मैंने बताया कि आपको कितना कैलोरी चाहिए। नॉन प्रेग्नेंट को चाहिए 2200 किलो कैलोरी, यानी कि 2200 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। प्रेग्नेंट के अंदर कितना चाहिए? 2500, यानी कि 2500 किलो कैलोरी पर डे चाहिए।
और यानी कि लैक्टेशनल मदर को कितना चाहिए, 2700 किलो कैलोरी पर डे चाहिए, यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल को कितना प्रोटीन चाहिए, 60 ग्राम पर डे चाहिए, और यानी कि नॉन प्रेग्नेंट के अंदर कितना चाहिए, 50 ग्राम पर डे चाहिए, और लैक्टेशनल मदर को कितना चाहिए, 60 से 65 ग्राम पर डे चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि यानी कि 70 केजी का मेन है उसको कितना प्रोटीन चाहिए, तो 70 ग्राम चाहिए, बिकॉज 1 केजी में 1 ग्राम प्रोटीन देना है। 50 का है तो 50 ग्राम, 100 का है तो 100 ग्राम, उसका बॉडी वेट कितना है उसके आधार पे उसका प्रोटीन आपको देना है। देन इसके बाद आयरन, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितना, 18 मिलीग्राम mg, 18 mg देंगे, प्रेग्नेंट को कितना देंगे, 40 mg देंगे, और नॉन प्रेग्नेंट सॉरी लैक्टेशनल को कितना देंगे, 30 mg देंगे। देन इसके बाद कैल्शियम कितना देंगे, यानी कि कैल्शियम नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर देंगे 500 mg पर डे देंगे, राइट। प्रेग्नेंट के अंदर कितना देंगे, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट से 500 ज्यादा देंगे, यानी कि 1000 mg पर डे देंगे। लैक्टेशनल के अंदर कितना देंगे, प्रेगनेंसी से 500 ज्यादा, यानी कि 1500 mg पर डे देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। जो फोलिक एसिड है नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितना दिया जाता है, 200 माइक्रोग्राम पर डे, कितना, 200 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है। और जो प्रेग्नेंट है उसके अंदर कितना, 400 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है। लैक्टेशनल के अंदर भी उतना ही दिया जाता है जितना प्रेग्नेंट के अंदर दिया जाता है। जिंक में कभी क्वेश्चन आता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितना दिया जाता है, 15 माइक्रोग्राम, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर 12 माइक्रोग्राम, देन लैक्टेशनल के अंदर 19 माइक्रोग्राम। विटामिन ए इंटरनेशनल यूनिट में उसको मेजर करते हैं, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दी जाती है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 6000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दी जाती है, और लैक्टेशनल मदर के अंदर कितनी दी जाएगी बेटा, 8000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दी जाएगी, राइट डाउन। देन उसके बाद पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन, ड्रग्स, एक्सरसाइज।